हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वापस से वही डिलीशियस और शानदार एक नई रेसिपी, जो है फ्रेंड्स हमारी चॉकलेट केक की रेसिपी। और आज का जो केक है फ्रेंड्स, उसकी खासियत ये है कि आज हम इसे ना किसी कप से ना किसी बाउल से बल्कि चम्मच से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, जो हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल है। और किस तरीके से हम चम्मच के नाप से परफेक्ट चॉकलेट केक बनाएंगे, और उसकी जो फ्रेंड्स हम आइसिंग करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल, और उससे भी पहले फ्रेंड्स मैंने ये हाफ कप दूध लिया है, और इसमें मैंने एक टीस्पून फ्रेंड्स विनेगर डाल दिया था। एक टीस्पून फ्रेंड्स, ये देखिए इस चम्मच के बराबर विनेगर डाला है मैंने। और ये देखिए आपको थोड़ा सा फटाफटा सा दिख रहा होगा कर्डल्स इसमें, यानी दही की तरह रेशे जो हैं वो दिख रहे होंगे गाँठें। तो फ्रेंड्स इसे अब हम साइड में रख देते हैं। ये काम फ्रेंड्स आपको सबसे पहले कर लेना है करीबन 10 मिनट पहले। अब हम इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपके पास दही हो, खट्टा दही नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेश दही हो तो आप फ्रेंड्स वो भी ले सकते हैं। वो आपको फ्रेंड्स इस चम्मच के नाप से 7 चम्मच दही लेना है। तो फ्रेंड्स आज हम सारी जो रेसिपी में चम्मच यूज़ करेंगे वो ये है, और इस चम्मच के नाप से फ्रेंड्स मैं सारी चीज़ें डाली हूँ। आप घर की कोई भी चम्मच मतलब इस साइज़ की मेजरमेंट के लिए यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डालेंगे फ्रेंड्स इसमें 7 छोटे चम्मच यानी 7 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स ये मैंने ऑयल ले लिया है, और देखिए ये हो गई हमारी 1 चम्मच, 2 चम्मच। इसी तरीके से हमें 7 चम्मच का हिसाब रखना है फ्रेंड्स। अब हम 7 चम्मच इसमें फ्रेंड्स डाल देंगे कैस्टर शुगर, ये पाउडर फॉर्म है फ्रेंड्स। नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, इसे मैं छलनी में से इसलिए छान रही हूँ फ्रेंड्स ताकि इसको बाद में हम छान लेंगे, जो भी ऊपर गुठलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वो इसमें ना रहें। अब हम सबसे पहले इसे छान के नीचे ऑयल में मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर जो चीनी के दाने रह गए हैं उन्हें हम अलग निकाल देते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमारा कर्डल मिल्क जो हमने तैयार कर रखा है वो हम डाल देंगे, और डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्कर की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स, बिल्कुल तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए ये केक। तो फ्रेंड्स हम सभी वैसे बनाते ही रहते हैं, लेकिन कई बार हमें मेजरमेंट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपके लिए बेहद आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप चम्मच की मदद से किस तरीके से नाप ले लेके एक बेहतरीन केक तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। केक बनाने में सबसे पहला फंडा ये होता है फ्रेंड्स, सभी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, यानी फ्रिज की बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें यानी फ्रिज से जस्ट निकली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं मैदा। वापस मैं इसके ऊपर स्ट्रेनर रख लेती हूँ। अब आज फ्रेंड्स क्योंकि मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ तो मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कोको पाउडर। ये फ्रेंड्स हम 3 चम्मच डालेंगे। अगर आप वेनिला केक बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप कोको पाउडर को पूरी तरीके से स्किप कर दें। अब हम इनको अच्छे से छान लेंगे। अगर वेनिला केक बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आप 7 चम्मच पूरी मैदा के यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। ये फ्रेंड्स देखिए जो चम्मच मैं यूज कर रही हूँ बिल्कुल उसका चौथा हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल नजदीक से आपको दिखा रही हूँ, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स 1 टीस्पून जो होता है वो इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। मेजरिंगमेंट वाले चम्मच ये है फ्रेंड्स, और आपको जब डालेंगे तो आपको भर भर के नहीं डालना है, बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से इसे बराबर कर लीजिएगा। मतलब यहाँ चम्मच की जो प्लेन आप करेंगे वो उसके इक्वल होना चाहिए, ऐसे उभार वाला नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद कर रही हूँ। चौथा हिस्सा बेकिंग सोडा, और बिल्कुल इसे प्लेन कर लीजिए, जैसे मैं उंगली फेर रही हूँ वो पूरा इस पर बेकिंग पाउडर आएगा। ये भी हम इसमें डाल देते हैं, और डाल के इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि छानने से क्या होता है फ्रेंड्स सारी चीज़ें एक तो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, और इसके ऊपर जो भी गुठलियाँ होंगी वो इस तरीके से हाथों से हटा दें। और देखिए सब अच्छे से छन गया है।
अब अगेन मैंने विस्कर का यूज़ किया है फ्रेंड्स, पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये मैंने जो कर्डल मिल गया पूरा क्यों नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला फ्रेंड्स क्योंकि पहले हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है, उसके बाद हम ऊपर से मिक्स कर देंगे। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड से और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। कभी भी केक के बैटर को फ्रेंड्स ओवर बीट ना करें, यानी बहुत ज़्यादा ना फेंटते रहें और हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटें, नहीं तो जो बबल्स बनते हैं जिसकी वजह से केक जो होता है वो फूलता है, वो अगर खत्म हो जाएंगे तो आपका केक जो है वो अच्छे से नहीं फूलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा भी ठीक है, तो हम वापस से जो हमारा कर्डल मिल्क है वो इसमें डाल देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी सारी चीज़ जो दूध वगैरह आप इस्तेमाल करें उनको एक साथ ना डालें। अगर फ्रेंड्स आप इसमें डालना चाह रहे हैं, आपके पास विनेगर ना हो और दही ना हो, तो आप प्लेन मिल्क का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, 7 चम्मच दूध इसमें डाल लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी भी ये थोड़ा ठीक है, हमें रिबन कंसिस्टेंसी का चाहिए होगा तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का जो बैटर मैंने तैयार किया है उसमें लगभग पूरा 1 कप दूध लगा है, यानी पूरा फुल भरा हुआ। मैंने आधा कप लिया था फ्रेंड्स कर्डल मिल्क और उसमें आधा और मिला लीजिए, पूरा 1 कप, यानी लगभग अगर आप इसे मेजर करेंगे तो 200 ml के करीब पूरा दूध लगा है। ये रिबन कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स मैं अभी बाउल में ट्रांसफर करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है ये नीचे जाके मर्ज हो जा रहा है और इसे हम कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बेकिंग ट्रे में। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, ये जो है फ्रेंड्स हीट प्रूफ है बेकिंग ट्रे, मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेंड्स कोई भी एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन जो है स्क्वायर शेप का या गोल हो आपके पास उसका यूज कर सकते हैं। मैं इसे सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसके अंदर पेपर भी बिछा सकते हैं, बटर पेपर भी। सबसे पहले इसे ऑल से ग्रीस करके उसके ऊपर बटर पेपर बिछा दीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप फ्रेंड्स उसमें थोड़ा ऑयल ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दें और एक्स्ट्रा मैदा को हटा दें, आपका जो बेकिंग का बर्तन है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा बेक होने के लिए, आपका केक बिल्कुल भी जलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स आज मैं इसमें बटर पेपर नहीं बिछा रही हूँ, मैं सिर्फ इसे मैंने ग्रीस ही किया है, ग्रीस करा हुआ ये बिल्कुल तैयार है। अब हम बिना देर किए बैटर को इसमें डाल देते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ कि देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है, ये देखिए फ्रेंड्स नीचे जाके मर्ज हो रहा है, इसे रिबन कंसिस्टेंसी बोला जाता है। अब ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स, अब इसको फ्रेंड्स हम पहले थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हो वो हट जाए। ये देखिए ये बबल्स हटाने इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स ताकि आपका केक जब बेक हो जाए उसमें जगह जगह खड्डे ना दिखाई दें। देखिए मैंने इसको अच्छे से टैप कर लिया है, इसमें जो भी बबल से वो हट चुके हैं। अब फ्रेंड्स इसको हम रख देते हैं सीधा हमारे जो बर्तन है जिसमें हम इसे बेक कर रहे हैं। बेकिंग के लिए फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई को पहले ही 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब इसके अंदर हम हमारा बेकिंग का जो बर्तन है वो रख देंगे। और जब भी आप बेकिंग के लिए रखें फ्रेंड्स नीचे कोई भी स्टील की कटोरी रख दें और इसे लगभग 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दें। लीड को मैंने फ्रेंड्स लीड से इसको कवर कर दिया है और यहाँ छेद के अंदर एल्युमिनियम फॉल को डाल दिया है ताकि अंदर से कोई भी हीट बाहर ना आ सके। अब हम इसे लगभग फ्रेंड्स 1/2 आवर के लिए बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। 1/2 आवर बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वो केक तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। अगर टूथपिक क्लियर आती है इसका मतलब केक रेडी है, अगर नहीं आती है तो वापस से आप 10 मिनट के लिए बेक कर लें। और फ्रेंड्स अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें और लगभग 30 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दें। ओवन टू ओवन फ्रेंड्स डिपेंड करता है टेम्परेचर, इसलिए आप अपने ओवन के हिसाब से केक को चेक करते रहें। तो आप फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ 1/2 घंटे के बाद में, इस दौरान फ्रेंड्स हम इसकी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स जब तक हमारा केक बेक होके तैयार हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने लिया है एक कॉफी का पाउच क्योंकि हम आज के केक में कॉफी सिरप का यूज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स 1 टीस्पून है और मैंने आपको मेजरमेंट से अच्छे से बता दिया है कि टीस्पून कितना होता है। सबसे पहले हम इसमें ये जो पाउच है कॉफी का ये इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ये हम इसमें डाल देंगे। ये 1 टीस्पून है फ्रेंड्स, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैंने लिया है 1/3 कप गर्म पानी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच जिसे हमने सारे मेजरमेंट किए हैं वो चीनी, ये मिक्सर में पिसी हुई चीनी है फ्रेंड्स, नॉर्मल दाना चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे कैस्टर शुगर भी बोला जाता है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा कॉफ़ी सिरप तैयार हो गया है फ्रेंड्स हमारे चॉकलेट केक के लिए। तो आज का जो स्पेशल
स्पून केक इसे हम बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सारे मेजरमेंट मैंने आपको स्पून से ही बताए हैं। बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके लिए शुगर सिरप जो है मैंने पूरी तरह तैयार कर दिया है। अब जब तक इसको केक बनता है हम इसको साइड में रख देते हैं। अब मैंने ले लिया है एक पैन, क्योंकि आज हम केक की जो आइसिंग है वो बहुत ही आसानी से करने जा रहे हैं, तो वो तरीका भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ले लीजिए एक पैन और उसमें डाल दीजिए लगभग 200 ml दूध। दूध डालने से पहले फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 चम्मच चीनी। मैं सारे मेजरमेंट एक ही चम्मच से कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। अब इसमें जाएगा फ्रेंड्स 2 टीस्पून चॉकलेट कॉफ़ी पाउडर, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर नहीं, हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर 2 टीस्पून डाल देंगे फ्रेंड्स। ये नॉर्मल किसी भी बेकरी की शॉप पे आसानी से अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं विकफील्ड का यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं होता कोको पाउडर का, तो ये कोको पाउडर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर वो भी ना हो तो आप 1 टीस्पून जो है इसमें अगेन कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन 2 मिनट डालेगा, नहीं तो पता चला कि आप जो गनाश तैयार कर रहे हैं वो कड़वा हो जाए। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब आइसिंग के लिए फ्रेंड्स, गनाश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल दी हैं 2 चम्मच, यही चम्मच फ्रेंड्स जिससे हम सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, इससे मैंने डाल दी हैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो फ्रेंड्स, तो आप इस जगह चॉकलेट सिरप की तरह एक पाउडर भी आता है उसका भी, ड्रिंकिंग चॉकलेट, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी दूध, और दूध डालने से पहले फ्रेंड्स हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर फ्रेंड्स, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसके लिए हम 200 ml दूध ले रहे हैं, यानी पाव से थोड़ा सा कम। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये काम फ्रेंड्स आपको गैस पर नहीं करना है, पहले कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे बिल्कुल पूरी तरह लो भी नहीं, एक बार फुल फ्लेम पे करेंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे। फ्लेम को अभी मैंने फ्रेंड्स फुल पे रखा है ताकि इसमें बॉयल आ जाए, उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। यह बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, इसे बनने में लगभग 3 मिनट लगते हैं, 3 या 4 मिनट, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारा गनाज है वो तैयार हो चुका है। इसे आप चॉकलेट मूस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसे फ्रेंड्स लगातार हिलाते रहें ताकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे तले में ना जमे। अगर आपने इसे हिलाना छोड़ दिया तो जो कॉर्नफ्लावर है वो नीचे स्टिक करने लग जाएगा। लगातार चलाते रहें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम को हाई पे कर रखा था, अब मैं थोड़ा सा इसे लो कर देती हूँ, पूरी तरह लो पे नहीं पर मैंने मीडियम से थोड़ा कम कर रखा है। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है, बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये आपके स्पैटुला से इस तरीके की कोटिंग आने लग जाए तब आप समझिएगा कि ये तैयार हो चुका है। बस विद इन 3 मिनट्स हार्डर 4 मिनट्स ये बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से पैन छोड़ने लग गया है और बिल्कुल थिक होके इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जब ये इस तरीके से गिरे, ये देखिए लास्ट इसके जो ड्रॉप है किस तरीके से थिक हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अभी इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो चॉकलेट मूज है, यानी जो हमारा गनाश है, वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसमें 1/2 टीस्पून बटर भी डाल सकते हैं ताकि इसमें एक अच्छी शाइनिंग आ जाए, मैंने आज नहीं डाला है लेकिन आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम केक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं पैन का जो लीड है उसे हटा देती हूँ। वाओ शानदार, हमारा केक जो है वो कितना फूल गया है। और ये मैं टूथपिक से चेक करके आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ कि अभी बना है कि नहीं बना है। तो ये देखिए जो हमारा केक है वो बन चुका है, हमारी टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन आ रही है। मैं एक और जगह से आपको करके दिखाती हूँ। हमेशा केक हमेशा फ्रेंड्स बीच में से चेक कीजिएगा, साइडों में से कभी भी चेक नहीं किया जाता है क्योंकि साइडों से वो पहले पक चुका होता है, बीच से हमें पता चलता है वो पका है या नहीं पका है। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट 1/2 आवर में बन के तैयार हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक को मैंने बाहर निकाल लिया है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। गर्म केक को कभी भी आप ना छेड़ें, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो केक है वो 15 मिनट मैंने रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अब इस स्टेज पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमने जो ये कॉफ़ी सिरप तैयार कर रखा है, बहुत ही शानदार केक बनता है, इसको इस पर हम डाल देंगे। हमारा केक का स्पॉन्ज देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार बना है कि आप देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे डाल रही हूँ ये सारा इसको सूख रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और मुझे अपने कमेंट्स करके प्यारे प्यारे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप इस केक को कब ट्राई कर रहे हैं। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आपका रिजल्ट कैसा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे और तैयार करेंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो वो भी आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो ये सारा जो कॉफ़ी सिरप है फ्रेंड्स मैं इसमें डाल देती हूँ। अब बारी आती है फ्रेंड्स गनाश की, क्योंकि कॉफ़ी सिरप हमने डाल दिया है। अगर आपका जो केक है वो सूखने में थोड़ा टाइम ले रहा हो तो आप 5-7 मिनट रुक जाएं। मेरा कॉफ़ी सिरप फ्रेंड्स अच्छे से सूख लिया है केक ने, तो मैं ये जो हमने इसका जो मूस तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको धुआं निकलता दिख रहा होगा, उम्मीद करती हूँ ये इतना ही गर्म आपको इस पे डालना है। आप थोड़ा सा ठंडा भी कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे आप इसको ठंडा करेंगे गनाश को, मूस को, ये उतना ही गाढ़ा होता जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैं इसमें डाल देती हूँ सारा, और फिर स्पैटुला की मदद से इसे चारों तरफ फैला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे स्पैटुला ज़्यादा लगाना ही नहीं पड़ा क्योंकि जो मूस है वो चारों तरफ अपने आप ही फैल गया। और अब फ्रेंड्स हम इसे सेट होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। कई बार 15 मिनट में भी सेट हो जाता है, ताकि पूरा ये जब ऊपर से सेट हो जाएगा तब हम इसके फाइनल गार्निशिंग कर देंगे, यानी फाइनली इसे डेकोरेट कर देंगे। और उससे पहले फ्रेंड्स एक और बात आपको बता दूँ, क्योंकि केक अभी हल्का गर्म है तो अभी फ़िलहाल हम 15 मिनट के लिए इसे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, उसके बाद आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटे हो गए हैं और हमारा जो स्पून केक है वो पूरी तरह सेट होकर तैयार है। मैं किसी काम में बिजी हो गई थी, नहीं तो आप सिर्फ 1 घंटा रखेंगे तो भी बिल्कुल ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं एक पाइपिंग बैग लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम को फिल कर लिया है। अब हम इसे एकदम इजी वाली डेकोरेशन कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसका यूज़ करने की, क्योंकि हमने जो मूस तैयार किया है, जो गनाश तैयार किया है, उससे भी फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो इस तरीके से मैं एकदम लाइनिंग्स बना लूँगी पूरे हमारे स्पून केक के ऊपर। अब देखिए, ये मैंने एक ले ली है टूथपिक, और अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जो हमने क्रीम इस पर फैलाई थी उसको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से कट करेंगे, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, स्वर्ल्स बन जाएंगे इसके ऊपर। ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप हर बार इस तरीके से लाइनिंग करें और टूथपिक को क्लीन कर लें इस तरीके से। अब हम इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप स्वर्ल्स बना लें फ्रेंड्स, या फिर आप अदरवाइज इसको बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारा स्पून केक, बिल्कुल डिलीशियस और बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये फ्रेंड्स आपको बताया है। इसे मैंने थोड़ा सिल्वर बॉल से भी डेकोरेट कर दिया है। फ्रेंड्स ये सब डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ गनाश से यानी जो मूज हमने तैयार किया था उससे भी इसको रख सकते हैं, बहुत ही खाने में शानदार लगता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स जाते जाते मैं ये आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इजी वे में, कि हमारे पास मेजरमेंट वाले कप्स नहीं होते, स्पून्स नहीं होती, तो किस तरीके से हम स्पून का मेजरमेंट लेके स्पून केक बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करके ज़रूर बताइएगा। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अभी हम इसको फिलहाल कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी, और इसका जो टेक्सचर है ना फ्रेंड्स इतना स्पॉन्जी बनता है ये, आप इसे ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको बेहद पसंद आएगा और बच्चों का तो ये फेवरेट होगा, आप ज़रूर इसे ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको इसका नज़दीक से टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल मॉइस्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी, बहुत ही, ये देखिए
मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ कितना स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।